हेलो एवरीवन, इस पूरी सीरीज के अंदर हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे ऑन डिजिटल लॉजिक। और डिजिटल लॉजिक के अंदर जितने भी सिलेबस है पूरा, जो स्टार्टिंग से एंड तक हम पूरा टॉपिक जो है सब कवर करेंगे, और उसके साथ साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो आई होप जो क्लासेज है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आई थिंक यू नो माई नेम इज़ हिमांशु कौशिक, और मुझे गेट की फील्ड में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो चुका है। मैं इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, और सब पहली बार मैंने गेट एग्ज़ाम क्लियर किया था, दैट वॉज इन 2011-12। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि इसी फील्ड में मुझे लगभग 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपीरियंस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो इसी वजह से आप जो हमारी क्लासेस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं ऑन अन अकेडमी, तो अन अकेडमी पर मेरे पास दो तरह के कोर्सेज जो होते हैं। पहला जो है दैट इज़ कॉल्ड प्लस कोर्स, एंड सेकेंड इज़ आइकॉनिक कोर्स। तो प्लस कोर्स में स्पेशल ये है कि यहाँ पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स यहाँ पर होते हैं, और साथ साथ में जो मेरी क्लासेस होती है काफ़ी इंट्रैक्टिव होती है, यानी कि आप और मैं क्लासेस के बीच में इंट्रैक्टिव या डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। और साथ साथ में जब आप आइकॉनिक कोर्स में जाएंगे तो आइकॉनिक में स्पेशल है, स्पेशल ये है कि एक मेंटर आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। तो मेंटर जब भी आपको कोई भी डाउट रहेगा, आपको कोई भी नोट्स की ज़रूरत होगी या फिर आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, तो मेंटर हमेशा आपको सपोर्ट करेगा इन एनी वे। तो अगर मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं विद अन अकेडमी, चाहे आप प्लस ले या फिर आइकॉनिक ले, मेरा कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, जस्ट यूज़ अ कूपन कोड विच इज़ कौशिक 10, क्योंकि कौशिक 10 में आपको टोटल 10% ऑफ हमको मिल जाएगा। जस्ट यूज़ दिस एंड होप यू लाइक दिस। पूरी सीरीज जो है आपको बहुत अच्छी लगेगी, एंड थैंक यू सो मच। इन दिस वीडियो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिंग काउंटर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जॉनसन्स काउंटर। इफ यू चेक इट हियर, बोथ रिंग काउंटर एंड जॉनसन्स काउंटर दे आर सिंक्रोनस काउंटर, दोनों सिंक्रोनस होते हैं। बट द ओनली डिफरेंस इज इन केस ऑफ रिंग काउंटर, इनपुट टू द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज द आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप, दैट मीन्स Q2 जो है वो हम लोग वहाँ पर इनपुट देंगे। बट इन केस ऑफ जॉनसन्स काउंटर, सो अगेन इट इज़ अ ट्विस्टेड रिंग काउंटर। सो हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड रिंग, यानी कि जो आपका लास्ट फ्लिप फ्लॉप है वहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है दैट विल बी गिवन एज अ इनपुट टू द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, उसको हम फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के अंदर इनपुट देंगे। एंड दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द वर्किंग ऑफ दिस काउंटर्स, इससे इन दोनों काउंटर्स में काफ़ी डिफरेंस आने वाला है। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस स्टेप बाई स्टेप, ओके। सो आई विल फर्स्ट क्रिएट द ट्रूथ टेबल फॉर द रिंग काउंटर, एंड देन आई विल क्रिएट द ट्रूथ टेबल फॉर द जॉनसन्स काउंटर, एंड देन वी आर गोइंग टू कंपेयर देम विद देयर स्टेट्स। सो हियर वी हैव 3 स्टेट्स, D0, D1 एंड D2। सो दे आर रिप्रेजेंटिंग द प्रेजेंट स्टेट, ये इनकी प्रेजेंट स्टेट है। एंड देन वी हैव, ओके सो लेट मी ऑल्सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग इन दिस मैनर लेट मी ड्रॉ इट हियर। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग D0, दिस इज D1 एंड दिस इज D2, दिस इज D0 नेक्स्ट, दिस इज D1 नेक्स्ट एंड दिस इज D2 नेक्स्ट। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नेक्स्ट स्टेट, ये यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इनिशियली द वैल्यूज हियर आर 0, 0, 0, सो आई डोंट नॉट नो एनी वैल्यूज, सो आई हैव टू एज्यूम वैल्यूज। सो 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, दीज आर द वैल्यूज, ठीक है। तो ये हमने कुछ इनिशियल वैल्यूज यहाँ पर ले ली है, ओके। एंड यू विल सी, अगर आप इस थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, देन यू विल सी वट एवर द आउटपुट ऑफ Q2 इज, यानी कि जो भी आपके पास Q2 स्टेट है, राइट, ओके आई थिंक आई डन अ लिटिल मिस्टेक, लेट मी करेक्ट माई मिस्टेक अगेन। तो मैं अपनी मिस्टेक को करेक्ट करता हूँ। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग Q0, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, दिस इज Q0 नेक्स्ट, दिस इज Q1 नेक्स्ट एंड दिस इज Q2 नेक्स्ट। आई थिंक आफ्टर दिस आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग टूडेज सेशन, बिकॉज मे बी आई एम मेकिंग टू मेनी मिस्टेक्स टूडे। तो इस एग्जाम्पल के बाद आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग टू दिस टूडेज सेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे, सो हियर दिस Q0 वट एवर द आउटपुट ऑफ Q2 इज दैट विल बी गिवन एज ए इनपुट टू D0। तो यानी कि जो Q2 की वैल्यूज है, सो वट एवर द वैल्यूज ऑफ Q2 इज, जो भी आपकी Q2 की वैल्यू है दैट विल बी द इनपुट ऑफ, दैट विल बी द नेक्स्ट स्टेट ऑफ Q0, वो Q0 की नेक्स्ट स्टेट बनेंगे। सो द नेक्स्ट स्टेट फॉर Q0 विल बी 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, दिस इज द नेक्स्ट स्टेट फॉर Q0, ओके। एंड इफ यू विल सी फॉर Q1
जो भी इस समय पर क्यू नॉट का आउटपुट है, वट इज द प्रेजेंट आउटपुट ऑफ क्यू नॉट, दैट विल बिकम द नेक्स्ट स्टेट ऑफ क्यू वन. सो प्रेजेंट आउटपुट ऑफ क्यू नॉट विल बिकम द नेक्स्ट स्टेट ऑफ क्यू वन. सो दैट इज 0 1 0 1 0 1 and 0 1. एंड वट एवर द आउटपुट ऑफ क्यू वन दैट विल बिकम द नेक्स्ट स्टेट ऑफ क्यू टू. तो Q1 का जो आउटपुट है वो Q2 की नेक्स्ट स्टेट बनेगा. सो दैट इज 0 0 1 1 0 0 and 1 1. सो दिस इज फॉर रिंग काउंटर. ये जो है ये रिंग काउंटर का हमारे पास प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट है. लेट मी ऑल्सो मेक द सेम फॉर योर जॉनसन्स काउंटर. सेम वैल्यू को मैं जॉनसन्स काउंटर के लिए भी बनाने की कोशिश करता हूँ. ओके so here in this johnson's counter again this is the states we have q naught this is q1 i think i can use more space here thoda sa main space aur use kar leta hu because i have to make bigger you know i have to make bigger pictures here so let me use more space this is i think is it visible yes it is visible so this is q naught next this is q1 next this is q2 next This is representing Q naught. This is representing Q1. This is representing Q2. ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा because this Johnson is a little tricky one. So initial state values are 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1. ठीक है, so you will see यहाँ पर जो भी आपके पास Q2 का कॉम्प्लीमेंट है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q2 विल बिकम द नेक्स्ट स्टेट ऑफ Q0. ठीक है, बिकॉज हमने Q2 कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पर इनपुट दिया, राइट. सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q2 विल बिकम द नेक्स्ट स्टेट फॉर Q0. सो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है यानी कि 1 1 1 1 0 0 0 0 दिस इज Q0. तो ये Q0 की नेक्स्ट स्टेट है. ओके, देन वट एवर द वैल्यू ऑफ Q0 दैट विल बिकम द नेक्स्ट स्टेट फॉर Q1. तो Q0 की जो वैल्यू है Q1 की नेक्स्ट स्टेट बनेगा, दैट इज 0 1 0 1 0 1 0 1. एंड वट एवर द वैल्यू ऑफ Q1, जो भी Q1 की वैल्यू है दैट विल बिकम द नेक्स्ट स्टेट फॉर Q2. तो जो Q1 की वैल्यूज हैं दैट इज 0 0 1 1 0 0 1 1, दिस विल बिकम द नेक्स्ट स्टेट फॉर Q2, राइट. तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इफ़ यू चेक इट हियर, तो यहाँ पर ये जो है दिस इज फॉर द रिंग काउंटर. सो आई विल मेक दिस डायग्राम फॉर रिंग काउंटर हियर, आई मीन द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, एंड देन आई एम गोइंग टू मेक अ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम फॉर जॉनसन्स काउंटर हियर. ठीक है, सो आई हैव वेरी लेस स्पेस एंड ट्राई टू यूटिलाइज माई स्पेस एफिशेंटली हियर. तो यहाँ पर अगर आप 0 0 0 पर हैं, इफ यू आर प्रेजेंट एट 0 0 0 देन यू विल मेक अ सेल्फ लूप. ओके, इफ यू आर प्रेजेंट एट 0 0 1, अगर आप 0 0 1 पर है, देन फ्रॉम दिस 0 0 1 यू विल गो टू 0 1 0. आप यहाँ से 0 1 0 पर जाएंगे. सो लेट मी राइट इट क्लियरली, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 0 1 0. इफ यू आर प्रेजेंट एट 0 1 0, नेक्स्ट स्टेट विल बी 1 0 0. यहाँ से आप 1 0 0 पर जाएंगे. If you are present at 1 0 0, next state is 0 0 1. Okay, so 1 0 0 के बाद अगर आप 1 0 0 पर है तो next state आपकी 0 0 1 होगी, that means the same state. Okay, तो यानी कि हमने 0 0 0 को ले लिया. Let me verify, 0 0 1 से आप गए 0 1 0 पर, and from 1 0 0 you are going to 0 0 1 again. Cool. Next, अगर आप 1 0 1 1 पर है, if you are at 0 1 1, सो फ्रॉम दिस 0 1 1 यू आर गोइंग टू 1 1 0. यहाँ से आप 1 1 0 पर जाएंगे. इफ़ यू आर प्रेजेंट एज 1 1 0 देन यू आर गोइंग टू 1 0 1. तो यहाँ से आप 1 0 1 पर जाएंगे. एंड इफ़ यू आर प्रेजेंट एट 1 0 1 यू विल गो टू 0 1 1. तो यहाँ से आप 0 1 1 पर जाएंगे. ओके, एंड इफ़ यू आर प्रेजेंट एट 1 1 1, सो यू विल गो टू सेल्फ लूप. तो यू विल आइडेंटिफाई दैट दिस रिंग काउंटर इज नॉट फ्री रनिंग एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो नॉट सेल्फ स्टार्टिंग. Why it is not free running? Because all the states are not coming in one loop, right? So ये 0 0 0 अपने अलग लूप पे है, लूप पर है. 1 1 1 अपने अलग लूप पर है. Here in this loop we have 3 states. Here in this loop we have 3 states. So basically the maximum number of states that we have here is only 3 in a loop. So that is why it is a mod 3 counter.
एंड सेकेंडली सेकेंडली हियर इट इज़ नॉट इवन सेल्फ स्टार्टिंग बिकॉज सभी लूप्स अगर आप इस स्टेट पर एंटर करते हैं देन यू विल नॉट बी एबल टू एंटर दीज लूप्स राइट. तो आप बाकी लूप्स में एंटर नहीं कर पाएंगे. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट इवन सेल्फ स्टार्टिंग. ना तो ये सेल्फ स्टार्टिंग है और ना ही ये फ्री रनिंग है. लेट मी टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस जॉनसन्स काउंटर. सो इन जॉनसन्स काउंटर इफ यू आर प्रेजेंट एट 000 सो 000 से आप 001 पर जाएंगे एंड फ्रॉम 0101 यू कैन गो टू 011 एंड फ्रॉम 011 यू कैन गो टू 111 एंड फ्रॉम 111 यू कैन गो टू 110 एंड फ्रॉम 110 यू कैन गो टू 100 एंड फ्रॉम 100 यू कैन गो टू 000. ठीक है. सो हाउ मेनी स्टेट्स आर कमिंग हियर? 6. व्हाट इज द स्टेट दैट इज नॉट कमिंग? 00 वी हैव टॉक्ड अबाउट, 001 वी हैव सीन, 011 ऑल्सो वी हैव सीन, 111 वी हैव सीन, 110 वी हैव सीन एंड 100 वी हैव सीन. इफ यू चेक आउट दिस वन सो विच इज 010 फ्रॉम 010 आई एम गोइंग टू 101 एंड फ्रॉम 101 अगेन आई एम गोइंग टू 010. सो अगेन यू कैन सी इन दिस जॉनसन्स काउंटर, अगेन दिस जॉनसन्स काउंटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग एज वेल एज इट इज ऑल्सो नॉट फ्री रनिंग because all of these 8 states are not coming in one loop. And secondly, the maximum number of states is, that are coming in one loop is only 6. Sirf yahan par maximum 6 states ek loop ke andar aa rahi hai. That is why this counter is a mod 6 counter. Ye jo aapka counter hai, ye ek mod 6 counter hai. So obviously we have 2 states here, we have 6 states here. So this counter can act as a mod 2 counter as well as it can also act as a mod 6 counter. To aapko I hope samajh mein aaya hoga what is the difference between a ring counter and what is the difference between a जॉनसन्स काउंटर. ओके. सो स्टिल इफ यू हैव अ डाउट जस्ट लेट मी नो, आई ट्राई माई बेस्ट कि आपका जो डाउट क्लियर करूँ. अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन एंड योर डाउट्स. इन द प्रीवियस वीडियो वी वर डिस्कसिंग अबाउट काउंटर्स. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू हैव मोर डिस्कशंस रिगार्डिंग काउंटर्स. आई हैव गिवन यू अ फ्यू एग्जाम्पल्स इन दिस वीडियो ऑल्सो. आई ट्राई टू गिव यू अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स देन लॉट ऑफ थिंग्स विल बिकम ईजियर एंड एट द सेम टाइम आई ऑल्सो गिव यू ब्रीफ review or you can say brief summary of the things that we have already studied. So let us try this session here. Now we have seen that we have what are the types of counter. We have seen that we have synchronous counters and we have asynchronous counters, and these synchronous counters are of two type. One is your ring counter and second one is your Johnson's counter, and Johnson's counter is also called as twisted ring counter. And then we have asynchronous counters. So we call it as up counter and we also call it as a down counter. So again, there are more different kind of counters that you can create. You can create a decade counter, that means that counts up to 10. You can create a gray counter, that means that counts in a gray code. So jo aapka jo gray code hai, if you remember in the K-maps, we have used a gray code. So there are a few counters that can also count a gray code. So aapke paas wo sabhi counters bhi yahan par hai. So let us again take a brief idea about all of them. Obviously, a few things extra. There are a few things that you will be learning in this video that I have not covered in the previous session. So I suggest all of you just go through this revision phase also, so that you will be able to understand a lot more things. And let us see how it goes. Fine. So counters are used to provide accurate timing and control signals. Mostly, when you have digital circuits, to synchronize all of these digital circuits, you need clock signals, right? And then for these clock signals, we can count the number of clocks, and according to the number of clocks, we can make our circuit to do something special, right? So we can use counters to provide timing and control signals. And when I say synchronous counter, in a synchronous counter, all the flip-flops respond to the same clock instance. If you remember it, agar aapko yaad ho, then that what was your synchronous counter? In your synchronous counter, if this is your counter, right? So in all of these counters, the timing and control signal is same. I mean, jo clock hai wo same hota hai, not timing and control, let me repeat it again. So in your synchronous counter, your clock is same. Yahan par jo clock hai wo aapki same rehti hai, we do not have different clocks. And then these synchronous counters are much faster as compared to asynchronous counter, because all of these flip-flops, they are going to respond to the same clock. ये सभी जो फ्लिप फ्लॉप्स है वो सेम क्लॉक को रिस्पॉन्ड करेंगे. सो बिकॉज दे आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू द सेम क्लॉक, सो इट विल बी बेटर. आई मीन वी गेट अ बेटर आउटपुट इज मच फास्टर. तो मतलब जो आपका आउटपुट है वो फास्टर रहता है. बट व्हेन आई टेक असिंक्रोनस काउंटर, इन असिंक्रोनस काउंटर गेटिंग द आउटपुट इज स्लोअर. आई मीन द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप टू द लास्ट फ्लिप फ्लॉप
जो आपका जो ट्रांजिशन रहता है इनपुट्स का, सो दैट कैन बी स्लोअर. देन ड्यू टू सिंप्लिसिटी इन डिज़ाइन, असिंक्रोनस काउंटर्स आर मोस्टली यूज इन द आईसी फैब्रिकेशन, एंड द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ असिंक्रोनस काउंटर, सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ सिंक्रोनस काउंटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज शिफ्ट काउंटर. तो जो सिंक्रोनस काउंटर का जो सिंप्लीफाइड वर्जन है, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वर्जन, दैट आई कैन यूज वेरियस फ्लिप फ्लॉप्स. आई मीन दिस इज अ डी फ्लिप फ्लॉप, दिस इज अ डी फ्लिप फ्लॉप, एंड दिस इज अ डी फ्लिप फ्लॉप, एंड इन दिस डी फ्लिप फ्लॉप दिस इज द इनपुट, राइट? सो वी कनेक्ट ऑल ऑफ दिस डी फ्लिप फ्लॉप लाइक दिस. सो व्हाट हैपेंस हियर इज द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज गिवन एज अ इनपुट टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप. अगेन द आउटपुट ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप इज गिवन एज द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप. सो वट एवर वैल्यू यू आर पासिंग हियर, वट एवर इनपुट यू आर पासिंग, दैट इनपुट विल बी शिफ्टेड फ्रॉम वन फ्लिप फ्लॉप टू द अनदर फ्लिप फ्लॉप. जो आपका इनपुट है वो एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप पे शिफ्ट होता है, दैट इज वाई वी कॉल इट एज ए शिफ्ट काउंटर. एंड देन वी हैव रिंग काउंटर्स. अगेन रिंग काउंटर्स एंड जॉनसन काउंटर्स आर फर्दर सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ शिफ्ट काउंटर्स. एंड व्हेन आई से दिस जॉनसन काउंटर, सो जॉनसन काउंटर इज ऑल्सो यूज टू काउंट द ग्रे कोड्स. यानी कि जो आपकी ग्रे कोड है, इफ़ यू रिमेंबर गेम ऐप्स में हमने ग्रे कोड को किया था, सो मोस्ट ऑफ योर जॉनसन काउंटर्स दे जनरेट ग्रे कोड. ओके, शो यू सम एग्जाम्पल्स, देन विद द हेल्प ऑफ दोज एग्जाम्पल्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज when I say mod n of a counter, mod n means there will be total of n counting states, or you can say you can count up to 7. I mean you can count up to n. For example, if you have a mod 7 counter, so that means you can count up to 7, or you can say there will be 7 states in the loop. If I say it is a mod 32 counter, that means there will be 32 states in the counting loop. ठीक है, तो जो 32 states आपके पास होगी. Okay, and when I say asynchronous counter, so in asynchronous counter, in every step, in every stage, the frequency reduces to half, right? So if there are 4 flip-flops in the asynchronous counter, so first flip-flop to the last flip-flop, so the frequency will be reduced by 4. I'll show you with some examples. These things we have already covered. And the last thing is, when two counters of mod n and mod m are cascaded, cascaded ka matlab hai ki ek counter ke baad dusre counter ko jod dena, right? If you have two counters, one is mod n counter, second is mod m counter, then if you combine them, it will create a counter which is a mod mn. Jaise if I have mod 5 counter, if I combine mod 5 counter with mod 6 counter, the resultant counter will be mod 30 counter. Usse hamare paas jo resultant counter aayega usko hum bolenge mod 30 counters. Okay, then this is the diagram of synchronous counter. We have already seen this. So in this synchronous counter, the clock is same for all the flip-flops, first, second, third flop, so on. So any number of flip-flops you have, the clock is always same. And if I say that these flip-flops are having some propagation delay, propagation delay means the time taken from by after giving input to get the output, yani ki input dene ke baad output lene ke beech mein jo time hota hai usko hum bolte hain delay, right? So let us assume every this time delay is T flip-flop, right? So because we are using T flip-flop here, if I'm using T flip-flop, so I can say it is same time. Or just instead of using T flip-flop, let me simplify it. Let me just say ki yahan par jo bhi aapka flip-flop hai, whatever flip-flop it is, whatever flip-flop you want, if the time taken time delay for this flip-flop is TFF, तो हमारे पास जो टोटल टाइम डिले होगा यहाँ पर सिंक्रोनस काउंटर में, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर ऑल्सो गोइंग टू वर्क पैरेलली, सो दैट इज गोइंग टू बी टी एफ एफ प्लस टी कॉम्बिनेशन. यानी कि इसके साथ अगर आप कॉम्बिनेशन सर्किट यूज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम यूजिंग सर्टेन काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट, राइट? सो वट एवर कॉम्बिनेशन सर्किट यू आर गोइंग टू यूज, सो द टोटल टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंक्रोनस काउंटर विल बी टी एफ एफ प्लस टी कॉम्बिनेशन. कितना होगा आपके पास? टी एफ एफ यानी कि फ्लिप फ्लॉप का टाइम पीरियड प्लस जो इसके साथ आप कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज करेंगे उसका टाइम पीरियड. तो जो आपकी क्लॉक है, दिस क्लॉक शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस टोटल टाइम पीरियड, बिकॉज अगर जो क्लॉक है, अगर ये क्लॉक इस टाइम पीरियड से कम होगी, देन अगेन इट इज गोइंग टू जनरेट अनइमेजिनेबल, आई मीन डिफरेंट रिजल्ट्स, करेक्ट? तो हमेशा जो भी आपका कंप्लीट काउंटर का टाइम पीरियड होता है, तो आपका जो क्लॉक का टाइम पीरियड है हमेशा उससे ज़्यादा होना चाहिए. ओके, नाउ इन द सेम वे इफ आई डिस्कस अबाउट असिंक्रोनस काउंटर, सो दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिपल काउंटर्स. हम असिंक्रोनस काउंटर को रिपल काउंटर भी बोलते हैं. सो इन दिस असिंक्रोनस काउंटर, इफ आई गिव अ क्लॉक टू द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप विल बी गिवन एज अ क्लॉक टू द सेकंड फ्लिप फ्लॉप, द आउटपुट ऑफ द सेकंड फ्लिप फ्लॉप विल बी गिवन एज अ क्लॉक टू द
third flip-flop and so on. So if I'm using n flip-flop and time period of one flip-flop, ek flip-flop ka jo time delay hai, wo TFF hai. So in this case, for n flip-flops, they are going to be dependent on each other. So for example, here it is taking 5 nanosecond of time. It is also taking 5 nanosecond of time. It is also taking 5 nanoseconds of time. There is a time delay. So there is n into 5. Agar aapke paas 3 flip-flops hai, that is 3 into 5, which is 15 nanosecond plus the time of a combinational circuit. So yani ki yahan par jo aapka complete time period hoga, that is n into TFF plus T combination, aur jo aapki condition hai that this clock should be greater than this time period. Aap jo clock pass karenge yahan par, the time period of this clock should be greater than the total time period of this circuit. Theek hai? So this is something that we have already seen so far. Ye hum log ab tak dekh chuke hain. And we have also seen what is self-starting and free-running. Hum dekh chuke hain self-starting or free-running kya hota hai. Right? So this is a few diagrams of the modulus of some counters, some random counters. So agar yahan par check karenge the first diagram, what is the number of states in the loop? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So there are total 10 states. So I can say it is a mod 10 counter. Okay, mod 10 counters means it can count up to 10. And if I say it is a mod 10 counter, that means it is also called as decade counter. Matlab 10 ko count karna is decade. And this is also free running as well as it is also self starting. If you remember what is free running and what is self starting, to agar aapko free running ka matlab kya hai ki jitne bhi states hai, all the states should come in the loop, that is free running. So if a counter is free running, then by default it is also self-starting. अगर counter free running है तो वो self-starting भी होगा, लेकिन अगर एक counter self-starting है, does not mean it is also free running. Let me show you with the help of examples. If you check this out, तो यहाँ पर कितने states हैं आपके पास? There are total of 15 states. In this counter, total 15 states are there. But all of these states are not coming in the loop. Therefore, you can say it is not free running. ये जो counter है, ये free running नहीं है, but this counter is self-starting because you can enter in any of the states. आप किसी भी state से enter करें, maybe you are entering with the state 14 or if you are entering with the state 13, any states you can enter, you will always end up in this loop. आप हमेशा इस loop में ही end up होंगे, you will always end up in this loop. So basically, this counter is not free running, but yes, it is self starting. Then we have seen the third diagram here. I mean, check out this third diagram. So you can see again, what is the modulus of this counter? The modulus is 4 because there are 4 states in the loop. And is it free running? No. Is it self starting? Yes. Ye free running nahi hai, lekin self starting hai. Now look at this one here. So in this diagram, you can see there are how many states are in the loop? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there are total of 6 states in the loop. And is it free running? Kya ye free running hai? You will say ki no, it is not free running because all the states are not coming. And is it self starting? You will say yes, it is self-starting. So you can see by looking at this, just by looking at a counter, aap bata sakte hain whether just by looking at the states that are present in the loop and the states that are not present in the loop, you can find out what is the modulus of the counter. You can tell whether it is a free-running counter or whether it is a self-starting counter. Aap ye sabhi cheeze yahan par bata sakte hain. Okay. So I hope this example was useful. Then in the shift counter, humne discussed kiya tha. There are three kinds of shift counters. Synchronous counter. There are three kinds of synchronous counter. One is a shift counter. Second is ring counter. And third one is Johnson's counter. Dekho, ye sabhi cheeze hum already cover kar chuke hain. I'm just giving a brief idea about it. So shift counter means that you have some flip flops. Aapke paas kuch flip flops hain. And just shifting the input to the output. So, भी input और output है, आप वहाँ पर shift कर रहे हैं एक counter से दूसरे counter की तरफ. For example, this is flip flop 1, this is flip flop 2, and this is flip flop 3. So, you can see the input to the flip flop I is output of the flip flop I minus 1. जैसे ये जो input है, ये I 2 है, and this output is Q 1. This input is I 3, and this output is Q2, यानी कि हर एक जो फ्लिप फ्लॉप है वहाँ पर जो इनपुट है वो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होगा. ओके, एंड व्हेन आई से दिस I1, सो आई मीन इन दिस मैनर यू कैन सी, और जो आपके पास जो फर्स्ट है, मतलब जो फर्स्ट यानी कि इनपुट 0, और यू कैन सी हियर, यू कैन से आई डोंट हैव इनपुट 0, आई एम स्टार्टिंग विद इनपुट 1.
So you can see, let me make one more state here for simplicity purpose. This is flip-flop 0 and this is input 0. यानी कि जो input 0 है, the input of the flip input 0 will be a function of these outputs. यानी कि इनका जो function है आप use कर सकते हैं. When I say function, what I really mean by function, ऐसा भी हो सकता है that you are giving this output as an input here. आप ऐसा भी कर सकते हो. Or you are having some function, you are taking some output, you are performing some or you are performing some gate operation on this and then you are giving this as a input. ऐसा भी कुछ यहाँ पर perform किया जा सकता है. Now this ring counter and Johnson's counter are further, they are also shift counter. जो ring counter है, Johnson's counter है, ये भी shift counter है. But again, we have, जो shift counter है, हमने इसको और further दो categories में divide कर दिया. क्या categories है? So when I say we have a ring counter, तो ring counter का मतलब क्या है? This is the first flip-flop, second flip-flop and third flip-flop, right? And this is, let us suppose, flip-flop 0, this is flip-flop 1 and this is flip-flop 2. For this flip-flop 1 and flip-flop 2, the output here, so Q0 will be given as an input here and here this Q1 will be given as an input here. But when I say this I0, so I0 jo hai, in I0 we are going to give this as an input. Ab I0 mein ab isko input denge, right? This is your Q, this is Q2 and this is Q2 complement. So hum Q2 ko yahan par I0 ke andar input denge. But when I take this Johnson's counter, तो Johnson's counter का सिर्फ difference ये है. What is the difference between a Johnson's counter and this ring counter? In Johnson's counter, in this I0, we give this Q complement as input. यहाँ से जो Q complement है, आप उसको input देंगे. Otherwise, all the connections will remain the same. Correct? Difference क्या है यहाँ पर? Again, I'm repeating. When I say we have a ring counter, in ring counter we give this uncomplemented form of Q as input to the first flip flop. In case of this Johnson's counter, we give this Q complement as input to the first counter. So, ye dono mein ek difference hai. You should know this difference, right? If you know this difference, then you can clearly see ki Johnson's counter or ring counter mein difference kya hai. And again, I'm saying Johnson's counter and ring counter, both of them are shift counters. Dono jo Johnson counter hai aur ring counter hai, ye dono shift counters hi hai. So, they are just simplified form of shift counters. Okay? I think we have already seen this. ये हम already देख चुके हैं, तो आप सभी को ये most probably clear होगा. Then this is something that we have already seen when we have asynchronous counter. So whatever input you give, जैसे for example here we have three T flip flops. So here if this input is having a frequency of 4 megahertz, then this clock of the first flip flop is having a frequency of 4 megahertz, then the clock to the second flip flop, it will be having a frequency of 2 megahertz. It will be exactly half. Again, if the input to this flip-flop is having a frequency of 2 megahertz, then the clock to the third flip-flop will be having a frequency of 1 megahertz. And then here, this Q2 will be having a frequency of 500 kilohertz. So basically, in every step, we will reduce the frequency by half. So ye hum already dekh chuke hain, I've already shown you the clock diagram. So jab maine aapko clock diagram mein show kiya tha, tab I think hum already iske bare mein डिस्कस कर चुके हैं. ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज आई टोल्ड यू कि जब हमने काउंटर्स को स्टडी किया था, इन केस ऑफ दिस काइंड ऑफ काउंटर्स, आई टोल्ड यू दैट इन दिस काउंटर्स, ये हमारे पास दो तरह के काउंटर्स है. वन इज सिंक्रोनस एंड सेकेंड वन इज असिंक्रोनस. करेक्ट? तो लेट मी अगेन गो बैक टू द डायग्राम एंड लेट मी शो यू द सेम. So I told you that synchronous counters are ring counter and Johnson's counter. But when I discussed about asynchronous counter, then there are two types of asynchronous counter. One is your up counter and second one is down counter. पहला कौन सा आपके पास? Up counter. और दूसरा कौन सा है आपके पास? Down counter. अभी up counter और down counter में difference क्या है? देखो, when I say up counter means it counts in a increasing order of numbers. जैसे we can count 0. From 0 we can count 1, from 1 we can count 2, from 2 we can count 3, and again we can come back to 0. Yaniki it is counting in the increasing order of numbers. When I say down counters means it will count in the decreasing order of numbers. They say from 3 it can count to 2, from 2 it can count to 1, from 1 it can count to 0, and from 0 again it will count to 3. These are your down counters. Okay?
तो असिंक्रोनस काउंटर दो तरह के हैं, पहला कौन सा है, वी हैव अप काउंटर एंड सेकेंड वन इज अ डाउन काउंटर. ठीक है, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. नाउ व्हेन कैन आई से दिस काउंटर इज एन अप काउंटर एंड व्हेन कैन आई से दिस काउंटर इज अ डाउन काउंटर. हम उसको काउंटर को अप काउंटर कब बोलेंगे और उसको डाउन काउंटर कब बोलेंगे. लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. I think I don't have enough space here, so let me try to make the diagram here itself. Somehow I have to manage with this space. So here, this is your asynchronous counter. Let me change the color of the pen also. So this is some asynchronous counter. Okay, this is a flip flop and this is a flip flop. And you know what is the difference in asynchronous counter? The output to the first flip flop is given as a clock to the second flip flop. Correct. Now, when can I say it is a up counter? हम इसको अप काउंटर कब बोलेंगे? First case is the nature of the clock edge is negative. That means this flip flop is a negative. You know, it is a negative edge triggered. आपका जो flip flop है वो एक negative edge triggered है. And this is the positive output, that is Q. And this is the Q complementation. If I make this Q as a clock here, then it will become a up counter. तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, up counter. Clear? But instead of giving this edge, अगर मैं यहाँ पर इस edge को देने की जगह पर, if I'm giving this Q complement as a clock here, जैसे this is so here if the this is positive edge triggered, या फिर अगर ऐसा हो कि this is a positive edge triggered, and if I'm giving this negative feedback here as a clock, then this will be again a up counter. तो ये दोबारा से आपका क्या बनेगा, up counter. Okay? Then again, if you look at this one, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, let me explain this one also. So let us assume these are your flip flops, and it is saying the nature of clock edge is positive. So that means this flip flop is a positive edge triggered, and this flip flop is also positive edge triggered. And this is the output Q, and this is Q complement. If I give positive output, if I give this in a positive edge trigger, now you can see this is a down counter. So ये क्या बनेगा, अब हमारे पास एक down counter बनेगा. Okay? But instead of this, if I have something like this, this is a flip flop, it is a negative edge trigger. This is another flip flop here, it is also negative edge trigger. Correct? But if I give this Q complement as a clock here, अगर हम Q complement को as a clock देंगे यहाँ पर, then this will become a डाउन काउंटर. डाउन काउंटर मीन्स इट विल काउंट इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो जो काउंटिंग है वो यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी. सो एज यू कैन सी, इफ द एज एंड द आउटपुट क्लॉक पोजिशन मैच, देन इट इज अ डाउन काउंटर. जैसे यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इफ यू कैन चेक इट, इट इज अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एज वेल एज आउटपुट इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो इट इज अ डाउन काउंटर. राइट? इफ इट इज अ नेगेटिव एज ट्रिगर्ड एज वेल एज एज इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट, राइट, नेगेटिव, देन वी कैन से इट इज डाउन काउंटर. बट इफ इट इज़ ऑपोजिट, यानी कि आपका नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है और हमने उसको पॉजिटिव दे दिया, या फिर आपको पास पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है और हमने उसको नेगेटिव एज दी, देन दिस विल बिकम अ अप काउंटर. सो दिस थिंग शुड बी क्लियर. इफ दिस थिंग इज क्लियर, देन लॉट ऑफ थिंग्स विल बी क्लियर फॉर यू गाइज. तो ये जो चीज़ें हैं, दिस इज काइंड ऑफ अ शॉर्टकट दैट यू नीड, राइट? दिस टेबल विल हेल्प यू टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स. बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए आपको ये जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है. आई विल टेक अ फ्यू एग्जाम्पल्स. आफ्टर टेकिंग दोज फ्यू एग्जाम्पल्स, आई होप दिस थिंग शुड बी क्लियर. बट यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स. आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. द शॉर्टकट इज कि अगर आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो पॉजिटिव, यहाँ पर जैसे यू कैन सी, इफ द फ्लिप फ्लॉप इज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एंड यू गिव पॉजिटिव आउटपुट एज अ क्लॉक, देन इट इज डाउन काउंटर. इफ इट इज नेगेटिव एज ट्रिगर्ड एंड इफ यू गिव नेगेटिव आउटपुट एज अ क्लॉक, देन दिस विल अगेन बिकम अ डाउन काउंटर. तो ये आप रिमेंबर कर सकते हैं. ओके?